सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रकाश सोगत एक बार अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट प्रकाश सोगत, जी हाँ, आप इससे जुड़े रहिए और आप इसको लगातार सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, जिससे आपको नई नई वीडियो निरंतर मिलती रहे। ठीक है, जो ट्रिक मैं आज लेके आया हूँ वो राजस्थान संस्कृति में राजस्थान नारी के बाजू के आभूषण से रिलेटेड है। मैंने जैसे इससे पहले जो ट्रिक आपको बताई थी वो सिर के आभूषण से रिलेटेड बताई थी, लेकिन इस बार मैं आपको बताऊंगा राजस्थान नारी के बाजू के आभूषण, बाजू के जो आभूषण है उनकी ट्रिक बहुत ही शानदार है, आप देखते रहिए। इसकी ट्रिक जो बनाई है मैंने, वो मैंने बनाई है कि नोटी चूहा अब बाजू पर फूदा। ठीक है, ये ट्रिक हमने बनाई है। ठीक है, इस ट्रिक में देखिए ना का मतलब तो यहाँ पे आ जाएगा नवरत्न, ठीक है, टी का मतलब आ गया है टड्डा, चू का मतलब आ गया है चूड़लम, हा का मतलब आ गया है हारपान, ए का मतलब आ गया है अनद, बे का मतलब आ गया है बट्टा और बाजू का मतलब आ गया है बाजू बंद। ठीक है, बाजू बंद और फूदना का मतलब यहाँ पे क्या आ गया है भाई, फूदना, फूदा का मतलब क्या आ गया है, फूदना। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। अब देखिए जिस ट्रिक से मैंने आपको सिखाया इसी ट्रिक से मैं आपको सभी नामों को भर के दिखाता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जी हाँ, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये ट्रिक हमने बनाई है। तो आप देखिए मेरी ट्रिक थी नाटी चूहा अब बाजू पर फूदा। अब देखिए यहाँ पे ना का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, नवरत्न बताया था ना भाई, टी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, टड्डा। ठीक है, चू का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, चूड़ला। ठीक है, हा का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हारपान। ए का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अनंत। बे का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बट्टा। बाजू का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बाजू बंद। और फूदा का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, फूदना। ठीक है, देखिए आगे भी मैं कंटिन्यू ट्रिक बनाता रहूंगा, ये जो ट्रिक है बहुत ही सिंपल है, एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत जरूरी है कि आपको ये याद होनी चाहिए, और अब मैं कहता हूँ कि दो तीन बार आप इसको रिपीट करोगे तो आपको इजी याद हो जाएगी। ठीक है,